तो 2 दिन पहले गोट मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एक तमिल साइंस फिक्शन मूवी है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वेंकट प्रभु। इस फिल्म में थालापति विजय बाप और बेटे के डबल रोल में हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार विजय बाप और बेटे का डबल रोल प्ले कर रहे हैं। विजय ने अब तक 6 फिल्मों में डबल रोल प्ले किया है और उनमें से 4 फिल्मों में वो बाप और बेटा बने हैं और ये 5वीं बार है कि वो बाप और बेटा बने हैं। तो पहले बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर के बारे में। विजय के कैरेक्टर का नाम है गांधी, जो कि एक हॉस्टेज नेगोशिएटर, फील्ड एजेंट और स्पाई है। अब इस फिल्म में डबल रोल है, लेकिन फिर भी हमें 3 डिफरेंट अवतार में दिखेंगे विजय। सबसे पहले रिटायर्ड गांधी, जो रिटायर्ड हो चुका है अपनी सर्विस से। उसके बाद जूनियर गांधी, उसका बेटा। और फिर हमें पास्ट स्टोरी में यंग गांधी दिखाया जाएगा कि वो कैसे अपने काम करता था, वो जब स्पाई था। तो मेरे ख्याल से पास्ट में जो दिखाया जाएगा हमें, वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अलग अलग मिशन पे जाता है। जैसा कि ट्रेलर में बताया था कि अब तक गांधी ने 68 सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑपरेशंस किए हैं। अब 68 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मूवी विजय की 68th मूवी है और ये मूवी सेकंड लास्ट मूवी है, क्योंकि इसके बाद वो एक और मूवी करेंगे और फिर वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। फिर वो इतने फ्रीक्वेंटली मूवीज नहीं करने वाले। अब इस मूवी में सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि हिंदी डबिंग इस मूवी की इतनी बेहतर नहीं है। मूवी में जो साइड कैरेक्टर्स है उनकी डबिंग ज्यादा बेहतर है विजय की डबिंग से। और इससे अच्छी डबिंग मुझे लियो के टाइम लगी थी। लियो में कॉमेडियन कृष्णा ने विजय को आवाज दी थी और वो ज्यादा बेहतर लगी इस डबिंग से। और इस मूवी में तो साइड के कैरेक्टर्स को डबिंग अच्छी दी गई है विजय के कैरेक्टर को छोड़ के। तो मैं कंफ्यूज हूँ और मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म मिलने के बाद उन्हें डबिंग फिर से करनी चाहिए। मूवी का BGM भी अच्छा है और लास्ट वाला एनिमेशन अच्छा है विजय का जो दिखाया गया था, और उसके साथ जो BGM है वो भी अच्छा है। अब ट्रेलर से एक साफ है कि मूवी थ्रिल और एक्शन से भरी होगी, लेकिन स्टोरी का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ट्रेलर से। अब मूवी में जो डीएजिंग दिखाई गई थी वो मुझे ठीक ठाक लगी, और लास्ट का सीन जो है वो क्रिंजी था, वो अवॉइड करना चाहिए था मेकर्स को। और मूवी बताई जा रही है कि साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन साइंस फिक्शन जैसा तो कुछ लगा नहीं ट्रेलर में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं दिखाई जाती ट्रेलर में, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो थिएटर में ही जाके हमें पता लगानी होगी। मूवी में एक्शन तो जरूर है, लेकिन बिना किसी स्टोरी के एक्शन कोई काम का नहीं है। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर ऐसा है कि ये ट्रेलर आपको थिएटर्स तक जरूर ले जाएगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती है ये मूवी या नहीं। अब ट्रेलर में हमेशा ही सब कुछ नहीं दिखाया जाता, जैसे कि लियो का ट्रेलर जब आया था तो स्टोरी क्या है वो मालूम ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब हमने फिल्म देखी तो वो अच्छी लगी और फिर वो फिल्म हिट भी हुई थी। हालांकि वो मूवी एक रीमेक थी 2005 की मूवी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की, तो शायद इसी के चलते उन्होंने ट्रेलर को ऐसा कट किया ताकि किसी को पता ना चले। तो गोट में ऐसा क्या अलग होगा, क्योंकि विजय ने तो 5 फिल्मों में बाप और बेटे का डबल रोल प्ले किया है, कुछ फिल्मों तो ट्रिपल रोल प्ले किया है। तो मेरे ख्याल से इस मूवी में नेगेटिव रोल में बेटा ही दिखाया जाएगा। ये बस मेरा अंदाजा है कि मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एंड में एक प्लॉट ट्विस्ट तो जरूर होगा। और फिल्म के जो डायरेक्टर है वेंकट प्रभु, उन्होंने कहा है कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है MS धोनी के और CSK के। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता लगेगा कि क्लाइमैक्स सीक्वेंस क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा, क्रिकेट स्टेडियम में और क्रिकेट स्टेडियम के छत पे। और मेरे ख्याल से जूनियर गांधी स्टेडियम को ब्लास्ट करना चाहेगा, तभी ये सीन आता है। ये सब अंदाजा है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, मैं तो इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ ही। क्या आप एक्साइटेड हो? आपको इस फिल्म की डबिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।